नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनु जी आरती में। दोस्तों, जन्माष्टमी पर धूप सेवा के ऊपर जो है आज का हमारा ये वीडियो है, आप देख रहे हैं मैंने वरा वाला धुनु जी यहाँ पर जला लिया है, क्योंकि मेरे पास जो है ना छोटे धुनु जी में एक्चुअली वो थोड़ा नारियल के जो छिलके हैं उसे थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होता है, पर बरसात के कारण ना मैं उसे ठीक तरीके से नहीं कर रहा था, तो इसलिए जो है बड़े वाले छिलके ही अभी है मेरे पास, तो इसलिए मुझे लगा कि इसमें ही दिखा देते हैं, वरना थोड़ा देर हो जाएगा वीडियो बनाने में और शायद ये वीडियो अपलोड ही ना कर पाऊँ फिर मैं समय पर जो है, तो इसलिए मुझे लगा कि बना देते हैं, जो भी है उसके ऊपर ही आप लोग समझ ही जाएंगे। तो देख रहे हैं आप हमारे ठाकुर जी जो है उनके फ़ोटो मैंने यहाँ पर रखे हैं। ये फ़ोटो जो है ना मैं दोस्तों श्रीनाथ जी दर्शन करने जब राजस्थान गया था तब मैं लेकर आया था ये फ़ोटो। ये फ़ोटो करीब जो है 12 साल से ज़्यादा पुराना है। मैं जब राजस्थान गया था 2007 साल में गया था, तो उसी प्रकार हो जाता है, मतलब 12 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। तो जो भी हो, ये धूप सेवा के है, मैंने यहाँ पर धुनुची जो है इसमें घी देकर जो है ना मैंने धुनुची जो है वो प्रज्वलन कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने जो बहुत थोड़ा सा कपूर से जलाया है, बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा तो आप लोगों को शायद थोड़ा समझने में समस्या हो जाएगी। और ये देखिए, एक मैंने आचमनीय जल जो है ठाकुर जी का लिया है और एक पात्र लिया है, इसमें ठाकुर जी आचमन आदि करेंगे, मतलब इस पात्र में। एक पात्र जो है ना वो देना अच्छा होता है, अगर आप नहीं देते तो भी कोई बात नहीं, पर अगर आप आचमन दे रहे हैं तो उसके साथ एक पात्र अगर आप देते हैं, आचमनीय चम्मच, आचमन पात्र और एक दूसरा पात्र जो है वो अगर आप देते हैं तो ये पूरा कंप्लीट सेट होता है एक, अगर आप देते हैं तो अच्छा होता है ये ज़्यादा तो। और यहाँ पर ये मैंने मिश्री लिया है, आप मिश्री के साथ दूसरे कुछ और भी जो सूखे मेवे आदि या फिर जो नारियल के टुकड़े आदि लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और तुलसी पत्र, तुलसी पत्र जो है वो तो मास्ट है, आप लोग जानते हैं। मैंने कपूर से और घी से जो है ना मैंने धुनुची धूप जो है वो मैंने प्रज्वलन किया है धूप सेवा के लिए। अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना वो सामग्री देता हूँ। सामग्री एक्चुअली मैंने अलग से जो है यहाँ पर कटोरी पे नहीं रखा है, सामग्री मैं यहाँ पर जो है बहुत थोड़ा ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस आप लोगों को दिखाने के लिए ही, क्योंकि ये वीडियो है तो इसमें लाल कुकुल आदि जो अष्ट धूप है वही जो है मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत कम मात्रा में मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। घी मैंने ऑलरेडी दिया है, आप लोग चाहे तो इसमें और थोड़ा घी और शहद जो है वो आप दे सकते हैं। अब जो है इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा मिश्री जो है वो डाल देंगे। थोड़ा सा मिश्री जो है हमने इसे डाल, मिश्री जो है ना आप ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए, कुछ जो है आप इसमें दे दीजिए धूप सेवा में, और बाकी जो कुछ रह जाएगा वो प्रसाद हो जाता है, वो आप सभी में जो है ना वो बांट दीजिएगा। और तुलसी पत्र भी जो है हम हाथ जो है एक बार धो लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली मैंने अलग से आचमन पात्र नहीं रखा है, केवल कलश ही रखा है मैंने, तो ये तुलसी पत्र जो है वो भी जो है इस तरह से आप दे दीजिएगा। और इसके बाद जो है क्या कहना है, करना है हमें, मौन रह के जो है दोस्तों आपको जो है जो धूप मंत्र है वो बोलते हुए आपको इस प्रकार से 7 बार जो है ना घुमा लेना है मौन रहते हुए। बस इस प्रकार से आपको घुमा लेना है, कोई आवाज़ आप इस समय बिल्कुल मत करिएगा। इसके बाद जो कि आप धूप समर्पण यानी कि धूप नैवेद्यम आदि समर्पण का जो मंत्र होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे ही दूंगा, और जो मैंने दशोपचार विधि बताया है उसमें भी जो है मैंने वो मंत्र बता ही दिया है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर से दे दूंगा दोस्तों। तो वो जो है वो आपको कहते हुए जो है संपूर्ण समर्पण कर देना है, और उसके बाद जो है आपको जो आरती है मतलब रात्रिक आदि जो है वो आपको करना है दोस्तों। तो ये हो जाता है धूप सेवा की विधि। धूप सेवा के बाद आरती आपको करना ही है, इस धुनुची से आरती नहीं होगी। इस धुनुची जो ये जो है ये धूप सेवा की यानी कि धूप नैवेद्यम आप ये दे रहे हैं तो ये उसी की धुनुची है। इसमें आपको जो है दोस्तों इसमें जो है ना आपको
जो मतलब जो आरती है वो आपको नहीं करना है, जो अरात्रिक है वो आपको नहीं करना है इसमें। अरात्रिक के लिए धुनुची जो है वो आपको अलग लेना होगा। तो यही है धूप सेवा की पद्धति, बहुत ही साधारण और सरल पद्धति है ये धूप सेवा के। बहुत सारे लोग जो है मुझसे बोल रहे थे कि ये पद्धति एक्चुअल में कहाँ पर निभाए जाते हैं, देखिए। और कई लोग तो मुझे ये भी बोल रहे थे कि ये पद्धति तो हमने कभी नहीं देखा। तो सभी चीज़ सभी लोग देखेंगे ये ज़रूरी नहीं है। पहली बात, कुछ चीज़ें हमारे जीवन में कुछ नए नए तरीके से भी हमें अनुभव करना होता है। तो इसलिए जो है हर चीज़ हम देखेंगे ही जीवन में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ को जो है ना सीखने की, आकर समझने की, अगर हम थोड़ा मानसिकता रखते हैं भक्ति पूर्वक, तो देखिएगा बहुत सारी चीज़ हम शायद सीख पाएंगे, बहुत सारी पद्धति आदि। ये दक्षिण की तरफ आपको खास दिखाई देगा, बनारस की तरफ जो है ये धूप सेवा, और बंगाल में कुछ जगह पर किए जाते हैं, और बिहार आदि में भी किए जाते थे, पर पूरब की तरफ अभी जो है ना ये बहुत कम आपको दिखेगा। नदिया जिले आदि में जो है बंगाल के वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, जो वैष्णव परिवार आदि है वहाँ पर, शाक्त परिवार भी जो वहाँ पर है, मतलब शाक्त पंथा के चलते जो पूजा आरती करते हैं उनके परिवार में भी दिखेगा, और वैष्णव परिवार में, खासकर नदिया में। बनारस में आपको यूपी में कुछ दिख जाएगा, बिहार में तो शायद अभी जो है अभी बहुत लोग जानते ही नहीं। मैंने बहुत लोगों से बात की है, गोरखपुर में कुछ इसके प्रचलन है, कुछ परिवार में इसके प्रचलन है, पर दक्षिण में आप जो है मैं जो है चेन्नई के बारे में उतना नहीं बता सकता, चेन्नई या केरल के बारे में मैं उतना बता नहीं सकता। पर देखा जाए तो साउथ के कल्चर जो है ना, मतलब द्रविड़ संस्कृति एक ही जैसे है हर जगह पर, थोड़ा बहुत उसके बस अलगपन होते हैं पद्धति की पालन करने में। तो मैंने जो है वो दक्षिण के जो है तेलंगाना प्रदेश की संस्कृति देखा है, तो वहाँ पर तो धूप सेवा जो है वो, मतलब ये धूप नैवेद्यम तो एक विशेष चलन है। और जो उडुपी आदि मत को मानने वाले जो लोग बैंगलोर आदि या कर्नाटक में रहते हैं वो भी धूप सेवा करते हैं, वो भी ठाकुर जी की जो है ना जन्माष्टमी पर और कई कई उनके उत्सव होते हैं उस समय वो धूप सेवा खासकर करते हैं धूप नैवेद्यम के माध्यम से, और धूप आराधनी आदि यानी कि आरती भी जो है वो करते हैं घंटा वादन के साथ। धूप सेवा जो है ना वो घंटा वादन के साथ नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली जो है आपको बस 7 बार घुमाना है, 7 बार या 10 बार भी आप घुमा सकते हैं, कम से कम आपको 7 बार घुमाना ही चाहिए। और उसके बाद जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे जल आदि तो देते हैं, देखिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जिस तरीके से प्राणायाम स्वाहा ग्रास मुद्रा दिखा सकते हैं आप, पर यहाँ पर मैं साधारण तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसलिए जो है मैं उतना सब कुछ अलग से, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीज़ें सुनकर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि घी से कपूर से आप धुनुची धूप जला लीजिएगा, उसके बाद उसमें सामग्री दीजिएगा, उसके बाद उसमें जो है घी और जो शहद है वो आप दे दीजिएगा, मिश्री और तुलसी पत्र दीजिएगा, और उसके बाद जो है आप 7 बार घुमाने के बाद जो जो आचमनीय जल है दोस्तों वो जो है आप इस प्रकार से 3 बार घुमाते हुए जो है आप इस प्रकार से छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है ग्रास मुद्रा से प्राणायाम स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मुद्रा के माध्यम से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, ये जो हो जाता है आपका संपूर्ण धूप नैवेद्यम यहाँ पर धूप सेवा पद्धति हो जाता है। और हाँ दोस्तों याद बिल्कुल रखिएगा आप ये कि आपको जो है आरती अवश्य करना है, आरती अवश्य करना है। तो क्या क्या हो गया, धुनुची धूप आपको जला लेना है कपूर और घी से, घी के बाती से भी जला सकते हैं, समस्या उतना नहीं है उसमें। उसके बाद जो है उसमें सामग्री और शहद और घी देना है, उसके बाद मिश्री देना है, तुलसी पत्र आपको देना है, उसके बाद जो है आपको 7 बार घुमाना है, उसके बाद जो है इस प्रकार से जो है आपको 3 बार ऐसे घुमाकर जो है जल आप इसमें छोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को पता ही होता है एक्चुअली, या और उसके बाद जो है मतलब जल इस प्रकार से छोड़ने के बाद जो है 3 बार घुमाकर उसके बाद आप जो है अगर मुद्रा प्रदर्शन करना चाहते, मैं मुद्रा के बारे में एक्चुअली बताना नहीं चाहता था यहाँ पर फिर भी बता ही दे रहा हूँ,
क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि क्या मुद्रा प्रदर्शन करें या ना करें। हाँ, तो ये 3 बार इस प्रकार से जो है आप देने के बाद घुमा दीजिएगा, मतलब 7 बार आपने ऐसे ऐसे करके जो है, जब आपने 7 बार घुमा दिए उसके बाद जो है आप रखने के बाद खुद भी जो है हस्त प्रक्षालन कर लीजिए, और उसके बाद 3 बार ऐसे घुमा कर जो है आप वो जल जो है इसमें छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो है आप प्राणाया स्वाहा ग्रास मुद्रा दिखाते हुए प्राणाया स्वाहा अपानाया स्वाहा ज्ञानाया स्वाहा उदानाया स्वाहा समानाया स्वाहा कहते हुए जो है आप भगवान को निवेदन कर दीजिए संपूर्णता मुद्रा के माध्यम से, और उसके बाद जो है जो समर्पण मंत्र है वो संपूर्ण बोलने के बाद जो है हाथ जोड़कर बहुत सारे लोग स्पर्श करके भी बोलते तो वो भी आप बोल सकते, तो ये बोलने के बाद जो है आपको आरती करना है और उसके बाद प्रणिपात आदि करना है। दोस्तों आरती के समय आप जो है घंटा वाद्य आदि सब कुछ कर सकते हैं, पर जब आप धूप सेवा कर रहे हैं यानी कि धूप नैवेद्यम प्रदान कर रहे हैं उस समय जो है आप जो घुमा रहे हैं 7 बार या 10 बार उस समय आप बिल्कुल भी जो है घंटा वाद्य आदि नहीं करेगा, मौन रहकर अपनी श्वास को रोककर ही जो है आपको वो निवेदन करना चाहिए दोस्तों। तो ये हो जाता है धूप नैवेद्यम। जिन लोगों ने बहुत बार पूछा है फिर से एक बार कहता हूँ, ये दक्षिण में बहुत प्रचलित है और उत्तर में जैसे कि गोरखपुर बनारस और बंगाल के कुछ क्षेत्र में ये बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल ये बहुत क्षीण हो गया है, मतलब बहुत लुप्त तरह के हो गए हैं हमारे उत्तर और पूर्व की तरफ जो है, पूर्व की तरफ पहले ये मतलब ये जो पद्धति है ना ये बहुत देखने को मिलता था बनारस में, आज भी थोड़ा बहुत है पर मूल रूप से ये दक्षिण में आपको बहुत देखने को मिलेगा, द्रविड़ प्रदेश में और कोंकण में भी ये मना किया जाता है, कोंकण प्रदेश में भी इसके नियम है दोस्तों। तो यही जो है ठाकुर जी की जो है जो धूप नैवेद्यम है धूप सेवा है वो है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से ठाकुर जी को आपको धूप सेवा या धूप नैवेद्यम करना है। मैंने यहाँ पर एक थाली पर रखा है, आप लोग जो है केवल मंडल बनाकर भी दे सकते हैं, पर मैं समझता हूँ जब हम धूप सेवा या धूप नैवेद्यम दे रहे हैं ना तो हमें जो है इस प्रकार से हम अगर थाली पर देते हैं, जो थाली आपके पास है उसमें अगर आप देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और धूप सेवा आदि हो जाने के बाद ये जो है ये तो आपको लेना ही है प्रसाद के तौर पर, इसे तो ग्रहण करिएगा ही इस किताब को, और उसके साथ साथ जो है आप ये जो मिश्री और जो तुलसी पत्र और जो ये जल बच जाता है आचमनी जल जो है भगवान का वो प्रसाद के तौर पर सभी को दीजिएगा। तो ये हो जाता है धूप नैवेद्यम और धूप सेवा जन्माष्टमी के दिन, इस प्रकार से आपको करना है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाले धुनची ना बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि एक्चुअली ये क्या होता है, ये ना हमारे रोज़ के इस्तेमाल का होता है। तो रोज़ के इस्तेमाल में क्या होता है, हर रोज़ जो है ना बहुत अच्छे से वो इमली आदि का प्रयोग नहीं होता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इसमें कालापन आ जाता है, क्योंकि ये चादर का होता है, पीतल के चादर से बनता है ये जो धुनची होते, तो बहुत क्योंकि बहुत सारा धूप हमारे इस्तेमाल होता है, धूप के इस्तेमाल इतना होता है तो इस वजह से इसका थोड़ा जो रंग जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो ये 2-3 दिन बाद जाकर जो है नींबू से या फिर इमली से मांजा जाता है तब ठीक हो जाता है, तो ये इसी कारण से थोड़ा काला टाइप का दिखता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है, और अगर इसके ऊपर कोई सवाल आदि है आप लोगों का तो कमेंट्स करके या फिर जो है मुझे आप लोग मेल करके भी बोल सकते। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय कन्हैया लाल की दोस्तों।